और नाना पटोले मुंह में आएंगे वो काम कर रहे हैं। और नाना पटोले ने ऐसा समझना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो जातिक नेता है, इस देश के पंत प्रधान, वो देश के पंत प्रधान है। उनके ऊपर जो सोनिया गांधी का चेला बोलकर ये जो काम कर रहे हैं, ये इनको शोभा देते नहीं। इनकी और इनके पार्टी की टीआरपी बढ़ने से पहले गरिमा खत्म हो गई है। ये टीआरपी बढ़ाने को जा रहे हैं पार्टी का और इनका खुद का, लेकिन इनको पता नहीं है यही कांग्रेस, ये टीआरपी के नाम में इन्होंने कांग्रेस की गरिमा खत्म कर दिया। यही कांग्रेस उनको पागलों के दवाखाने में दाखिल करने वाली है। अगर नाना पटोले ने यही बात जारी रखा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत बैठेगा नहीं, वो रस्ते पर आने वाला है। इस 15 दिन में अगर नाना पटोले संभाजीनगर में आते हैं तो उनके बदन के ऊपर कपड़े रखेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उनको उनके मुंह को काली लगे रहने वाले नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है और क्या आपने रास्ता रोको आंदोलन किया? हमने नाना पटोले के बारे में हम यही बोल रहे हैं कि नाना पटोले को अटक होना चाहिए, देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। क्या बोलेंगे खासदार, एमआईएम के खासदार, वो जिहादी विचारों के खासदार है, वो इस्लामिक नीति उनको अजमाने की है, वो बोलते हैं मैं मुक्ति भंजक हूं। अगर इतना सर्वधर्म की बात करते हैं तो खासदार साहब आप कितने दिन से खासदार है, एक पुतला तो भी कहीं बैठाया क्या आपने? मैं तो बोलता जिस राज्य घटना का आपने स्वीकार किया, जिस राज्य संसद में आपने शपथ ली, उस शपथ को तो भी आप कायम रहो, उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला आपके ऑफिस में बिठा के बताओ, मैं तब बोलूंगा कि सही खासदार है आप, सही देश का मान करते। लेकिन आप मूर्ति भंजक है इसलिए आप नहीं चाहते कोई भी पुतला बैठना चाहिए। Dilli dilli.
गांधी बन रहे गांधी बन रहे भारतीय जनता पार्टी नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी ने हा ज्या जनतेचा अपमान केला नाना पटोलेने या देशाच्या पंतप्रधानाचा अपमान नाही या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा अपमान नाना पटोलेने केला. सोनिया गांधीचा चेला सोनिया गांधीचा फंटर या नाना पटोलेचं संतुलन बिघडलं आणि या संतुलन बिघडल्यामुळे काँग्रेसच्या टीआरपी वाढवण्याच्या नादात या नाना पटोलेनं देशाच्या पंतप्रधानावर जे वक्तव्य केलं हे वक्तव्य नानाला दवाखान्यात दाखवल्याशिवाय भाग पडणार नाही आणि म्हणून ही जी काँग्रेस आहे हीच काँग्रेस नाना पटोलेला पागलाच्या दवाखान्यात ऍडमिट करणार आहे. आम्ही उतरलो नाना पटोलेने या 15 दिवसात संभाजीनगरला यावं आम्ही त्यांचे कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही. हा भारतीय जनता पार्टी नव्हे या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा अपमान आहे आणि त्यामुळे पाणी पिऊ देणार त्यांना धान पाणी पिऊ बसून ते महिला बोल ना आम्हाला
मागे कसा या कधी पटोले से लेकर शहर तक हर खबर आप तक सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।